हेलो। हेलो हाँ सर, भैया जी, कैसे हैं? ठीक है। मैं तुम्हें कितना नंबर आ रहा है? रात में भी कॉल किए थे, फिर थोड़ा सा कट गया था, पता नहीं। मेरा 55 आ रहा है। 55 आ रहा है? इतना कम कैसे है? आप तो अच्छा क्लास व्लास लेते थे। बात तो आप जान रहे ना, तुक्का मारला रिजल्ट है, तो तो सही है, तुक्का मारा वाला रिजल्ट है। तब उसमें क्या खोजिएगा। कहाँ है जी? नवादा में ही है? फिर नवादा में ही है या कहीं? हम तो नवादा में ही है। तो सुने, मैथ वाला आपका ग्रुप कुछ केस उस कर रहा अब जिसको देखिए प्रॉब्लम है वो तो प्रिवेंट करेगा है। बात तो सही है, प्रॉब्लम तो पूरे दुनिया को है, ऐसा क्या। नहीं है किसी, नहीं, प्रॉब्लम तो पूरे दुनिया को है ना। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान बताइए जिसको प्रॉब्लम नहीं हो। सही बात है। ऐसा कोई बंदा दिख रहा है नवादा में क्या जिसको समस्या नहीं हो? नवादा नहीं, पूरा बिहार के बारे में बात करिए। ना पूरे बिहार का, पूरे इंडिया में कहिए ना। हाँ वही कर रहे हैं। तो मतलब आप ही के ग्रुप का कुछ कुछ लड़का लोग है मेरे ग्रुप का कार रहेगा पूरा बिहार का। आप? पूरा बिहार का नहीं, आपका पर्सनल ग्रुप है उसमें। ऐसा कोई बात नहीं हिटलर है। और मुसोलिनी जो है ना, वो आप ही के छत्र छाया में जी रहा है। कहने का मतलब देखिए क्या हो रहा है आपका। ये आप जो बोलिए। बोल रहे हैं ना, हाँ जो कमेंट कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे हैं। आप मेरा वीडियो देखे हैं, कहीं देखे हैं कि हम केस करने के लिए बोले हैं। केस तो आप नहीं बोले हैं, लेकिन फिर सब वही बात, नाम। तो आप नीतीश कुमार कुछ कर रहा है तो हम आपको बोलेंगे। नीतीश कुमार कर रहा है तो हमको बोलिए, हम उसका जात भाई हैं, जो बोलना है बोलिए। और आप हम भी क्या है उसका जात उसका, भाई हैं। हम हम क्या यही तो उसका बोल है। रहे हैं ना। पहले देखिए नहीं, एक सूरज सुनिए सूरज एक जो था बात ना, पहले सूरज मेरे। सूरज सूरज जान रहे हैं, सूरज को जान रहे हैं, कौन सूरज? आप ही के ग्रुप का था। आप वो ग्रुप छोड़ दें क्या, मैथ प्रॉब्लम ग्रुप? सब ग्रुप हम छोड़ दिए हैं, कोई ग्रुप में हम नहीं है। तब तो खैर आप एग्जिट हो गया था, हमको पता नहीं था। एक्चुअली हमको भी एग्जिट मार दिया था, हम उसको समझा रहे थे कि केस उसके चक्कर में मत पड़ो, 33,000 बहाली आ रहा है, उस पर नेक्स्ट तैयारी करो। तो तैयारी देखिए एक करोगे चीज बताते हैं कि एक चीज आपको बताते हैं कि आप दो काम कीजिए। आपकी हाँ बातों से भी हमको जैसा फील हो रहा है। बताइए। पहला काम देखिए सर, आप किसी को सजेशन नहीं दीजिए, समझ गया ना। लोग आपके बारे में गलत ही सोच लेगा। दूसरी बात कि बिना जांचे परखे समझे आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते हो। बात सही है। आपको एक चीज बताते हैं कि जिस जिस लड़का को इस बार रिजल्ट हुआ है वो नीरजवा का देन है। अगर नीरज नहीं केस करता शुरू में तो आज इसका रिजल्ट नहीं होता। दहाई पार ने किया पिछले बार, इस बार रिजल्ट लिया है। गुस्सा इस बात का हमको भी है, लेकिन हम कहाँ यज्ञ करेंगे। हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, हम उसके अलावा काम करेंगे। अच्छा आपका औकात है ना, हम सीधा कहते हैं कल 10 लड़का हमको मिला था, ऐसी सब बोल रहा था, समझे ना, जैसे आप बोल रहे हैं। हम बोले अरे यार औकात है ना तुमको, तो तुम कोचिंग संस्थान बंद कर देना अपने एरिया में जहाँ पढ़ाते हो, तब माने कि असल में तुम टीचर बनेगा। हाँ तो टीचर वैसे बंद करके जो है ना 30,000 रुपया लेने वाला टीचर वैसे बहुत है बिहार सरकार में। अगर मेरा बात आपको गलत लगे तो कहिए। नहीं, आप वो बिहार को बात बदलने के लिए है। ना आपको दिया गया है, आप बिहार को बदलिएगा ना। बिहार के एजुकेशन सिस्टम को ना बदलिएगा। है तुक्का मार कर तो कोई ला दिया, इसका मतलब क्या हुआ। पिछला बार जो 130, 135, 140 ला रहा था वो बेवकूफ थोड़े था, ठीक है वो तो ना। है। हाँ ये सब बात समझने वाली बात है। लोग जब बोलता है कुछ, जब हमको बोलता है कि हाँ आप केस करने वाले, ये करने वाले हैं, हम सीधा बोलते हैं कि आप ऑडियो मेरा सुने हैं कहीं केस करने का। अभी तक चैनल जिस दिन से रिजल्ट निकला है चैनल पर मेरा, आप सुने हैं कभी सीएमए को सुने वीडियो नहीं है, डाले लेकिन हैं। आप तो हीरो है अभी नवादा के। फिर वही बात देखिए, फिर कमेंट आप कर रहे हैं, आप फिर आप कुछ भी कमेंट कर करवा रहे हैं, सकते हैं घर बैठे। अगर आप फिर कमेंट कर रहे हैं। और ये आपको बताइए बता तो रहे हैं, फिर। सुनिए मेरी बात, आप ये बात जो बोल रहे हैं ना, आप कभी जिंदगी में बढ़िया नहीं कर पाइएगा सर। एक चीज बताते हैं, ऐसा क्यों आप बोलते कौन हैं? है नहीं है, आपसे हमको बात पहली बार हो रहा है, लेकिन आपसे आपको बहुत हम बता पहले रहे भी हैं कि बात जो की है। कमेंट जो कर रहे हैं ये आपके लिए सही नहीं है। रिजल्ट हो गया होगा आपका, शुभकामना देते हैं आपको, ठीक है ना, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ये उचित नहीं बोल रहे हैं। हम ऐसी हमको बातें तो सुन पता ही सुन नहीं करके अभी सर, परेशान हो गए, इसलिए हमको तो फोन उठाना हम छोड़ दिए हैं। बात सही है, लेकिन सर और तो आप कहीं ही न के साथ कहीं एहसान आप हो और रहा आपके है। जैसे जितने लोग फोन कर रहे हैं कहीं न कहीं मेरे चैनल पर पढ़े हमसे, बस सभी तो है, सभी तो फिर तो। कमेंट किस बात का, नारायण गुरु इतना बड़ा गलती कर सकता है, ठीक है ना, और वो भी सरकार की मानसा को देखते हुए, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है ना। बोल रहे हैं तो कुछ नारायण गुरु बोलने से इतना गलत। पहले देखिए, कुछ बोलने से पहले एक बार जरा सा सोच लीजिए कि हम क्या बोलने वाले हैं अगला के प्रति। अगला के प्रति क्या, वो लोग खुदे 4-5 लड़का पे तो कैसे करेंगे?
उल्टा उल्टा केस हम लोग करेंगे और घर से उठवाएंगे उसको। ये बात सुनिए, एक चीज बात करिए, जब ये बात बोलते हैं तो आप उस समय नीरजवा पर केस क्यों नहीं किया था जिस समय कैंसिल किया था? क्या उसमें भरोसा नहीं था अपना रिजल्ट पर क्रिएट हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा, रिजल्ट दिया नहीं था, रिजल्ट दिया है, ठीक है हाँ। और रिजल्ट छोड़ नहीं सकते, चार लाख रुपया का है ना उठे। तो जिस पर केस करना है सर कीजिए, क्यों बोल रहे हैं आपको? हमको कहा समझा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि जब मेरे साथ पढ़े तो हम बेवकूफ नजर आ रहे हैं आपको? बेवकूफ नजर है नहीं, मत आपको किंतु परंतु वाला दुविधा मत रहिए, क्लियर रहिए। और ये सोचिए आप कि कल के डेट में हमको जब नियुक्ति पत्र मिलेगा तो हम बच्चा को कैसे रोकेंगे स्कूल में, इस बात को सोचिए आप। उस पर फोकस कीजिएगा, आपको ज्यादा फायदा करेगा। इस बात पर नहीं सोचिए कि हम कैसे बताना पड़ेगा। हाँ तो आप हमको बता रहे हैं तो हमको नहीं बताने की जरूरत है? ये केस केस जो खेल रहे हैं दो साल से, आप समझिए, हम नहीं समझेंगे। तो ये समझने की जरूरत आपको है? अब ये देखिए, कीजिए कीजिए केस, देखते हैं। केस तो हो गया है, करेगा, हो गया है तो कीजिए कीजिए, अभी देखते हैं आपका जो है हो गया है, होने दीजिए उसको, उसको भी देख लेंगे, ठीक है। क्यों टेंशन ले रहे हैं कि रिजल्ट हो गया तो रिजल्ट खत्म हो जाएगा मेरा? रिजल्ट खत्म नहीं होगा, परेशान होगा लोग छह महीना, रिजल्ट तो नीतीश कुमार भी खत्म नहीं कर सकता है। तो हो गया तो आप क्यों डर रहे हैं? डर इसलिए किस बात का है? सबका लेट होगा। क्या लेट होगा? ज्वाइनिंग प्रोसेस, समझ में आ रहा है ना? ज्वाइनिंग प्रोसेस कुछ नहीं लेट होगा, आप गलत सोच रहे हैं। आपको हम बता रहे हैं इस रिजल्ट को में जाने में इस रिजल्ट को कोई का नंबर प्रॉब्लम है, स्कूटनी में जाइए और डायरेक्ट केस केस को क्यों टेंशन ले रहे हैं भैया? मेरा टेंशन इसलिए ले रहे हैं भैया कि बिहार बोर्ड पागल है, बिहार बोर्ड नौकरी देने के चांस पक्ष में है ही नहीं। ऐसे भी नहीं देगा, ऐसे भी नहीं देगा। आप लोग तो नवादा के मतलब लग रहा है ना, नीतीश कुमार का चमचा वाला काम कर रहे हैं। चमचा नौकरी देने दीजिए, अगला सुनिए ना, चमचा रिजल्ट होता है, जो चमचा था उसका रिजल्ट हो गया। कैसे नहीं ले रहे? नवादा का इतना इतना हीरो दरोगा बन गया, आईपीएस आईएएस बन गया, सत्तर नंबर नहीं ला पा रहे। प्रॉब्लम क्या है बताइए? प्रॉब्लम यही है कि केस मत करवाइए अभी। हम क्या करेंगे? हमको मेरा ऑडियो सुने जी आप? आपका ऑडियो नहीं सुने, सब लड़का आप ही का नाम बोल रहा है। फिर वही बात, कौन लड़का है उसको कॉन्फ्रेंस का ही? सारा ऑडियो है, ऑडियो डिटेल लेके जाके एसपी कोठी में दे देंगे और सब आप ही का नाम बोल रहा है, समझ रहे? आप टेंशन ले रहे हैं तो जाइए दीजिए तो। अरे वो तो करेंगे ही, लेकिन सोच तो रहे हैं, सोच किस बात कर रहे हैं आप? सोच इसलिए रहे कि भाई नवादा के हैं और नवादा में मैक्सिमम 90% कुर्मी है, हाँ। और कुर्मी मेरा भाई है, समझ रहा है ना? इसीलिए नहीं चाहिए दीजिए, जो करना है कीजिए, समझ गए? और उसके बाद दूसरी बात, कोई बोल रहा है उसको कॉन्फ्रेंस कराइए, हमसे कराइए। वो तो सब अभी करा सकते हैं, अभी करा सकते हैं आप क्लास उसका? देखिए आपको एक भाईचारा के नाते पहले आपको भैया बता रहे ना आपको कि आप कॉन्फ्रेंस करा सकते हैं, कि आप किससे सुने कि हम जो है केस करने वाले हैं या मेरा ग्रुप केस करने वाला है? वो छोड़िए ना, इस बार ऐसा ही तालमेल बैठा दिया है ना कि पटने हाई कोर्ट में जो है ना अच्छा खासा हो जाएगा। इस बार वैसा मत समझिए पिछले बार की तरह सब छोड़ देगा, इस बार सुनिए। मतलब ये है कि केस नहीं होना चाहिए, इस कुटनी में जाइए, मैथ का रिजल्ट सुधार होगा। अगर केस होता है और किसी का भी व्यक्तिगत छह महीना जाता है तो फिर इस बार कोर्ट का फैसला तो कोर्ट में होगा, सुनिए, मारपीट हो जाएगा, समझ में? बात हमको अभी लाइन पर है, बात हमको आप कन्फर्म कीजिएगा। बोलिए बोलिए, आपका रिजल्ट हो गया ना? रिजल्ट हो गया, हाँ हो गया। चलिए अच्छी बात है, आप क्या मेरा सहयोग करेंगे कि हमको मेरा आंसर शीट हमको मिले? आंसर शीट भी मिल, सारा चीज मिलेगा पहले मिलेगा ना? हाँ क्यों नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बोलिए कब पटना रहा आपका ग्रुप जितना पास किया है? बुलाइए पटना, हम आते हैं, मेरा आंसर शीट दिलवाइए, केस नहीं कोई करेगा। आप आरटीआई कीजिए, कहे ना आरटीआई कब किए ना? एक महीना रुके, हाँ आरटीआई का किस बात का कीजिएगा? जात भाई किस नाम का? आप कहा जात भाई बोल रहे हैं? आप आरटीआई कीजिए और उसका स्लिप हमको दीजिए, हम सचिवालय आ रहे हैं, ठीक है? वहाँ डायरेक्ट निकलेगा, आरटीआई करके पेपर रखे हुए ना? आपको क्या चाहिए बोलिए, व्हाट्सएप कर देते हैं, व्हाट्सएप कीजिए। इसके बाद हम होली के बाद सचिवालय आ रहे हैं। कई दिन में? 15 दिन लगेगा मेरे लिए। तो फिर 15 दिन सरकार ने हमको देगा, आपके पास क्या ला रहे हैं? तो मतलब मेरे पास आ रहा है क्या? हम बोर्ड में बैठे हुए हैं क्या? हो गया बात,
लिखित कर दें कुछ, सब चीज में टाइम लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, तो टाइम सब चीज में लगी रहा है तो लगी रहा है, तो टेंशन किस बात कर रहे हैं? आप ही बोल रहे भैया कि टाइम लगता है, फेस मत कीजिए, समझे? स्टेशनरी में जाइए, आपको जहाँ जाना है एसपी के पास, डीएम के पास, जहाँ मेरा ऑडियो लेके जाना है जाइए और सबूत दीजिए उसको कि मृत्युंजय कुमार बोला है कि केस करने के लिए, जाइए बोलिए आप जा करके। अच्छा, यही ना बात है, जब यही है जब आपको बोल रहे हैं कि मेरा ऑडियो सुनाइए का वो कहें केस करने का, तो आपको समझ में आ रहा है बात को? आप उसके ग्रुप एडमिन है, और ग्रुप एडमिन है सबसे बाका हुआ है, कहाँ जितना ग्रुप है सबसे लेफ्ट कर रही है, देखिए जा करके आप। लेफ्ट तो हमको पहले एग्जिट मार दिया, तो हम मैंने तो फिर तो पूरे को बता देते। हाँ तो बताइए कौन सा ग्रुप, 5-4 में थे आप? नहीं, 5-4 नहीं, वही मैथ प्रॉब्लम ग्रुप जो बना हुआ था, मैथ प्रॉब्लम ग्रुप, उसमें हम आए सब। आपका एडमिन शो कर रहा है, भेजे क्या व्हाट्सएप? भेजिए कौन सा ग्रुप है, देखिए देखते हैं जरा, देखते हैं आपको कोई ग्रुप बना देगा, हम ग्रुप बनाए क्या? आप एडमिन है उसके? अरे एडमिन तो कोई बना देगा, आपको भी जोड़ करके एडमिन बना देते हैं, अभी बोलिए ना, आपका नंबर है ना जी, अभी देखिए हम स्टेट ग्रुप में जोड़ करके आपको एडमिन बना देते हैं। है खूब भला बात कर रहे हैं साहब, आप भी गजब बात कर रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं कि 25-30 हजार का जिंदगी बर्बाद हो, वो भी कुछ लड़के के चलते, चंद लोगों के कारण, समझ में आया ना? हम खुद समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, समझ गए? फिर इतना बड़ा समझदार हो के छोटा छोटा गलती करवा, कहाँ गलती कर रहे हैं आप, प्रूफ दीजिए खत्म ना। देखिए आप उसका ग्रुप है, एडमिन है कि नहीं? आपको भी तो बना देंगे ना, अब ग्रुप क्रिएट कौन किया है हमको ये बताइए, ग्रुप क्रिएट कौन किया है? इसका एडमिन बनाइए, देखिए ग्रुप क्रिएट कौन किया है साहब? ग्रेट सूरज किया हुआ है, हो गया, और आप इसके एडमिन है? अच्छा, हमको आपको एडमिन नहीं बना देंगे, बनाइए, आपको नहीं बना देंगे एडमिन, कौन ग्रुप का एडमिन बनना चाहते हैं बोलिए, जिसमें हम एडमिन हैं? इसी का ठीक है, एडमिन बना देते हैं, आपको क्या दिक्कत है? बनाइए पहले, भेजिए स्क्रीनशॉट, भेजिए हमको स्क्रीनशॉट, भेज दिए, रुकिए लाइन पर रहिए आप। स्टेट रिजल्ट प्रॉब्लम सर्च मारने की थी, इस ग्रुप से हम कब का लेफ्ट मार चुके हैं? देखिए हमको भी लेफ्ट मार दिया है, इसलिए हम तो आपको एडमिन देख रहे हैं, लेफ्ट मार दिए आप, बोलिए आपको कैसे एडमिन बनाए, बोलिए, वही तो समस्या है। जिस दिन हमको प्रॉब्लम हुआ, समझ गए ना, फोन आना शुरू किया, अरे बहन जो के बिहार सरकार क्या ना हमको पैसा देगा ये 30,000 रुपया, 30,000 से ज्यादा हम कोचिंग में कमाते हैं अपना, उसे है हमको था कि हाँ चलो बिहार सरकार का नौकरी हो जाएगा तो एक नौकरी वाला कहाँ लाएंगे, और कुछ नहीं, उससे ज्यादा तो बहन जो हम खुद कमा रहे हैं, और मेरे पापा जब से ध्यान किया देखिए विंटर में लग रहे हैं, डबल हो जाएगा पैसा सुबह शाम के लाएंगे, तो आप काहे टेंशन लेते हैं मेरा? हम सिर्फ बोलते हैं केस मत करवाइए। आप देखिए आप दुनिया को नहीं रोक सकते हैं साहब, आप हमको बोल सकते हैं, बोलिए पूरा बिहार को, आइए मेरे चैनल पर यूट्यूब आई लाइव, कहाँ आपका घर हुआ बोलिए, नवादा ही आ जाएंगे, आइए नवादा, आपका चैनल अपने चैनल पर हम लोग खड़ा करके बोलते हैं पूरा नवादा को, आप नवादा से बोलिए पूरा बिहार को, यहाँ आप लोग भैया आपसे हाथ जोड़ करके अथी है कि दरख्वास्त केस नहीं कीजिए, इसे ज्यादा आपको क्या कर सकते हैं बोलिए, हम दुनिया को नहीं रोक सकते हैं साहब, नहीं दुनिया का तो नहीं रोक सकते, सब बोला आप ही के ग्रुप का आदमी, फिर वही बात सब बोलेगा तो हम पढ़ाए हैं सबको, हम ही पास नहीं किए, पिछला बार 135 नंबर ला रहे थे क्या, आपको बता रहे हैं कि मेरे बगल में जो लड़का है वो जानते हैं पिछला बार 75 नंबर नहीं ला रहा था, इस बार पास कर गया है, हम डिस्क्वालीफाई हो गए, बुरा तो हमको लगा, लेकिन हमको लगा कि चलो बिहार सरकार को यही चाहिए टीचर, उसी टीचर को लिया है, एजुकेशन सिस्टम कभी अपना ठीक नहीं करना चाहता है, हम तो बोले सबको, कल 10 लड़का मेरे सामने था, वो हम कोचिंग धो रहे थे, बोला कि आपका रिजल्ट नहीं हुआ बहुत अफसोस की बात है, हमको अफसोस नहीं कीजिए, हिम्मत कीजिए, और ये सोचिए कि लड़का जो है किसी प्राइवेट ट्यूशन में नहीं जाए, ये ध्येय लेके जाइए,
और इस ध्येय को पूरा करने में आपको कम से कम 2 साल अपना प्रैक्टिस करना होगा, तब कहीं जा करके आप जो है अपना तैयारी पूरा कर करके और बच्चा को नहीं जाने दीजिएगा। अन्यथा तो ये जो लटक रोटी वाला ये जो है ना कि किसी तरह तुक्का मार करके पास कर गए, इससे आप बच्चा को कभी नहीं रोक पाइएगा। लाइन लिख के देते हैं फिर से वही प्राइवेट ट्यूशन चलेगा और वही बात होगा। क्या गलत बोले? नहीं सही है, है? सही है। बस 30,000 रुपए के नौकरी के लिए क्या आप जाना चाहते हैं टीचर में, या फिर संस्कार देना चाहते हैं बच्चों को, ज्ञान देना चाहते हैं? अगर ज्ञान देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। ये रिजल्ट सब खुश नहीं हुई है, खुश उस दिन हुई है जिस दिन हमारे स्कूल का एक भी बच्चा कोई प्राइवेट ट्यूशन में नहीं जाए, तब हम मानेंगे कि आप सही में टीचर हैं। नहीं तो लटक रोटी वाला टीचर जो है ना, हजार को है, लाख को है पूरा बिहार में, जो सर्टिफिकेट दफा नौकरी पापर कर लिया है। आप बात तो समझिए, आपका नाम क्या हुआ? शुभ नाम छोड़िए, नाम देखिए, आप टेंशन लेते हैं साहब। आप टीचर से बात कर रहे हैं, असली टीचर से बात कर रहे हैं, आप केस करने वाला ग्रुप से नहीं बात कर रहे हैं, ये बात आप समझ लीजिए। मृत्युंजय कुमार को एक नौकरी का दरकार नहीं है साहब, समझ लीजिए। उसके पास इतना नॉलेज है कि एक लड़का से आज 500 लड़का खड़ा किया है, और उस 500 लड़का के दम पर 5,000 खड़ा करेगा। हम आपका ट्यूशन 6 महीना हम फंस गए थे, थोड़ा प्रॉब्लम था, मेरे पापा जी का डायबिटीज था, पटना ले गए, उनको दिखाए, नहीं ठीक हुए, अंतिम में गुजर भी गए, समझ गए। आप उस बात को टेंशन नहीं लीजिए, समझ गए ना, कि मृत्युंजय कुमार किसी का लाइफ बर्बाद करेगा। टीचर है उसका गुण समझता है मृत्युंजय, समझ गए। आप सोचिए इस बात को कि हम कैसे बच्चा को रोक लेंगे। 30,000 रुपया लेने के लिए सरकार के पास मत जाइएगा साहब, आपको बता देते हैं, जाइएगा कि हम बच्चा का भविष्य बनाने के लिए हम जा रहे हैं, तब आपको मानेंगे असली टीचर। जिस दिन हमारे एरिया में ट्यूशन बंद हो जाएगा उस दिन समझेंगे कि आप सही में टीचर हैं, नहीं तो लटक रोटी वाला बहन चलो टीचर बहुत है बिहार में। और ऐसा ऐसा टीचर बन करके अपना शर्मिंदगी को मेरे सामने कभी मत लाइएगा, समझ गया ना। हम बहुत सारे टीचर को देखते हैं, बंद नहीं करवाएंगे, लेकिन जो मेरे शरण में आएगा उसको जरूर आइए। तो प्राइवेट ट्यूशन में क्या है, प्राइवेट ट्यूशन में असल औकात पता चलता है टीचर का, जब बच्चा को लाता है अपने पास और उसको पढ़ा करके अपने पास रखता है। आपके पास तो सरकार आएगा, उसके लिए तो आप है ना जिंदाबाद। किसके लिए? और प्राइवेट ट्यूशन के लिए काहे ला प्राइवेट ट्यूशन को जिंदा रहेंगे? जब आप मर जाएगा तब ना हम जिंदा है जी। जब आप जिंदा रहिएगा तो हम कैसे मरेंगे? हम तो मर जाएंगे। दुकान चलेगा, आपका भी चलेगा। काहे दुकान चलेगा? भगवान दुकान चलाने के लिए नहीं खड़ा किया, मृत्युंजय को जन्म दिया है, ज्ञान देने के लिए दिया है, चलाने के लिए दिया है, ठीक है, समझ गए। असली औकात पर आ पा रहे हैं धीरे धीरे अपना बात। आपका दुकान बंद नहीं होगा, समझ गए, इधर का भी काम होगा। असल औकात रहेगा ना आप लोग में, जिसको हुआ है रिजल्ट वो दुकान बंद करवा देगा, उस दिन जान जाएंगे कि टीचर है। खुलेआम चैलेंज करते हैं हम, आपका बात को लेकर के देखिए, सुनिए आपका बात को लेकर के हम आज YouTube पर आ जाएंगे, देखिए आज, और देखिए कैसे बात करते हैं। आ जाइए, आ जाइए। हाँ, आज औकात हम सबको दिखाएंगे, समय भी हम काम करेंगे, आपका भी काम बंद नहीं होने देंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, केस किस मत के लिए, क्योंकि बिहार सरकार केस का जो है वर्चस्व ले रहा है, और केस सरकार जान के करवा। इस बात को पूरे बिहार के स्टूडेंट को बोलिए, 1,65,000 में 25,000 का रिजल्ट दिया है, आप 1,40,000 स्टूडेंट को बोलिए साहब, हमको नहीं बोलिए। आज आप YouTube पे ला के रख दीजिए, ठीक है, इसके बाद बोलिए कि केस नहीं हो या ये बात हम कहां बोलेंगे, पगला हो गए हैं आपको, आपको नजर आ रहे हैं कि हम केस बोलेंगे। जब रिजल्ट कैंसिल किया था तो उसमें आप लोग साथ में थे, आज रिजल्ट दिया तो विरोध में हो गए, हम ये बात क्यों बोलेंगे केस नहीं करिए, हम क्यों बोलेंगे इस बात में? ये गुरु गुरु हम ये बात ना बोलेंगे कि हम केस करेंगे, केस करने के लिए भी नहीं बोलेंगे, केस नहीं करने के लिए भी नहीं बोलेंगे, हम दोनों बात में नहीं बोलेंगे, ये बात आप समझिए। समझ रहे हैं आपके लिए? हाँ, बस बस बस, सिर्फ एक ही मोटिव है, केस ना हो, ठीक है। आप इस बात को किसी को रोक नहीं सकते हैं, रिजल्ट देने से, हाँ रिजल्ट देने से भी आपने रोका नहीं, केस करने से भी रोकिएगा नहीं, कल के दिन ज्वाइनिंग होगा कोई आपको रोकेगा भी नहीं, बात समझ रहे हैं? हाँ, तो ये बात समझिए आप, आपका ज्वाइनिंग में कोई रोकने लगेगा, लाइन लिख के तो सादा कागज पर दे देते हैं। 6 महीना परेशान होंगे लेकिन रोक तो कोई नहीं सकता है, ये बात तो फिक्स है, बस हो गया आपको हमें जी। हाँ, 6 महीना परेशान जरूर हो जाएगा लेकिन अब रिजल्ट हो गया है तो रोकेगा कोई नहीं। हाँ, तो हो गया तो क्यों आप दूसरे को परेशान करते हैं? परेशान इसलिए कि 6 महीना का पेमेंट कौन देगा, केस करने वाला? अभी साल भर से पेमेंट कौन दे रहा था, जब से एस्टेट निकला था पेमेंट कौन दे रहा था? अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ था ना। अभी रिजल्ट होगा पेमेंट आपको दिखने लगा है, बस आपको लाइन लिख देते हैं, 3 साल अभी छत नहीं मारिएगा तो नाम मेरा अधिक कर लीजिएगा, 3 साल तक मकान नहीं करेगा,
एक साल के अंदर ज्वाइनिंग होगा। अब जाइए बिहार बोर्ड, देखते हैं किसके इसका औकात हो गया, किसका जिसका रिजल्ट हुआ औकात हो गया कि ज्वाइनिंग के लिए। आपको एक साल के अंदर ज्वाइनिंग भी भेजेंगे आप। अच्छा ठीक है, भेजिए भेजिए, ब्लॉक मत कीजिएगा, कहाँ ब्लॉक करेंगे, यही काम बच गया हमारा, ब्लॉक करना ये काम बच गया। इतना आप कमजोर समझ लिए मुकेश कुमार को, कमजोर केस करने वाला होता है ठीक ना। अब वह केस के दम पर आज रिजल्ट हुआ है, इस बात को समझिए, समझ गया ना, वो केस नहीं होता था रिजल्ट का मुंह नहीं देखते आप लोग। पहले भी रिजल्ट होता था, टेंशन ले रहे हैं, वो तो पहले भी 100+ आप पहले भी 100+ ही था, चेक कर लीजिए ठीक है ना। कॉपी भेज दे, कायल कॉपी भेजिएगा हमको, वो किसी का भी कॉपी, मेरे ही कॉपी पेस्ट भेज कर दूसरा कर देगा, 135 दिखा देगा आप हमको, सिखाता है लोग। हम ईशान कलकर के तो मृत्युंजय कुमार बैठ गया है, समझ गया ना ईशान, मतलब मृत्युंजय कुमार को नहीं सिखाई ईशान बात, ठीक है ना, मार्केटिंग का ना, इसीलिए 75 भी नहीं आता आपको, ठीक है, इस बार 75 भी नहीं आता इसको, किसको, जो पूरे दुनिया को सिखा रहा है। हाँ तो 75 लाने में कामयाब नहीं है। हाँ कामयाब क्या है ना, वो समझ में आएगा, अभी जाइए ना स्कूलवा, स्कूलवा तो जैसे करेंगे ठीक है ना, स्कूल जाइए समझ में आ जाएगा, स्कूलवा का कॉलेज जाएंगे, जाइए ना, ये बात अब आपके मुख से जो बात निकल रहा है ना, सुनिए आपके मुख से जो बात निकल रहा है ना, एक शोभनीय बात नहीं है, एक टीचर की गरिमा को आप जो है ना मटिया मिट कर रहे हैं। आप 9-10 का ही बात करते हैं ना, हम तो 10+2 में जा रहे हैं, 9-10 को तो छोड़िए, 10+2 में कैसे नहीं हो रहा है, केस तो 10+2 में नहीं हो रहा है, 10 में हो रहा है, बात है हम लोग का रिजल्ट 6 महीना फंसेगा, इसीलिए सबको रोक रहे हैं, मेरा रिजल्ट 10+2 में, सरकार रोकने का काम इसलिए कर रहे हैं कि वैकेंसी फंसे नहीं, एक तो निर्जा 6 महीना दिमाग खाया था, पुरुषोत्तम से केस करवाए थे कि किसी तरह रिजल्ट दे। सुनिए फोन करना है तो सुनिए, आपको बताते हैं फोन करना है ना, आलोक श्रीवास्तव को फोन कीजिए, उससे बात हो गया, वो बोला कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए ना मेरा बात, हाँ बोलिए, मेरा बात सुनिए ना साहब, अभी कहाँ कोई बात नहीं है, क्यों यूट्यूब पर आकर के और फेसबुक पर आकर बोलते हैं, सांत्वना देते हैं मैथ वाले को, सांत्वना देने का मतलब जानते हैं, बढ़ावा दे रहे हैं आप, आपको सिखाते हैं, अभी सीखिए ना जी, अभी नारायण विद्या केंद्र के चैनल से पढ़े हैं ना, अभी बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत है आपको, उनको बोलिए कि सर सांत्वना नहीं दीजिए, बढ़ावा मिल रहा है, उनको रात में श्रीवास्तव सर को भी समझाए कि सर रिजल्ट पे ही काम कीजिए, ऐसे रिजल्ट पे वो काम कर रहा है ठीक है ना। सब मैथ का कुछ ग्रुप जो है ना, वो डाइवर्ट ग्रुप खेल के आपको बता रहे हैं, पास वाला कैंडिडेट 10 को ऐसा है जो केस में पेटिशनर बन रहा है, पास वाला कैंडिडेट, अरे महाराज अभी दुनिया आप देखे कहाँ है सर, कहा है उसको डोनेशन खिलाया गया क्या, ये ग्रुप से अपना बात कीजिए आप, आपको समझ में आ जाएगा, अभी आप कहाँ हैं, कहाँ अभी दुनिया में आप घूम रहे हैं, वाले ग्रुप में हम आए नहीं, पहले निर्जा पे केस करवाए थे, पुरुषोत्तम किया था, आप भी थे उसमें, बात हुआ था, कुछ गया था टीम भी था, सोचे थे रिजल्ट आ जाएगा, पिछले बार भी हो जाता, लेकिन चलिए कैंसिल ही किया अंत में, बोले चलो होने दो, 2 महीना तैयारी की, फिर से एग्जाम दिए, आप सुनिएगा ना, पिटिशनर का नाम सुनिएगा ना, आपका माथा घूमेगा, उसमें ऐसा कैंडिडेट है जो टॉप किया है और वो है पेटिशनर, मेन पेटिशनर, चीफ पेटिशनर जिसको बोलते हैं, 135 वाला, अभी आप देखिए केस होने के बाद पेटिशनर का नाम पढ़ भी नहीं कीजिएगा, आपके पास सेवन करेगा पीडीएफ, ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं आएगा, पीडीएफ तो आएगा ही, इस बार तो देख बस हो गया, आप देखिएगा कि आपका ही ग्रुप सारा था कैंसिल कैसे करवाता है, जो मैथ वाला ही होगा और मैथ वाले को ही इस बार ऐसा केस करने, हम लोग भी सोच रहे हैं, कुछ जा रहे हैं सचिवालय, ऐसा करवाएंगे ना कि मैथ को कैंसिल करवा देंगे, स्टार्ट कर दीजिए, समझ गए ना, मैथ को ही सबसे साइड करवाना पड़ेगा, मैथ ही सबका काल बना हुआ है ना, शुरू करवा दीजिए, समझ गए, ग्रुप में जो पास किया ना, अब तो भाई 2 ग्रुप बट गया ना, जो पास किया जो क्वालिफाई नहीं किया है, बस एक पास एक, जो क्वालिफाई है उसी में से 10 पेटिशनर ऐसा है जो चीफ पेटिशनर के रूप में है, मैं करियर रन करवाने के लिए, बढ़िया है, करवाइए, देखिए हम लोग तो चाहेंगे कि इस पर मैथ पेपर करिए, मतलब सबको ऐसा पेंडिंग में डालो कि 10 साल तक मैथ का बहाली ही ना हो, साइंस वाला ही संभालेगा मैथ को, नहीं तो कंप्यूटर वाला संभालेगा, हम लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ मतलब ऐसा तो नहीं है, मैथ में फेल है, मैथ में मेरा भी 57 नंबर है, लेकिन 10+2 में कंप्यूटर पेपर है ना, उसमें पिछले बार भी 100+ आ रहा था, इस बार भी 100+ है,
कंप्यूटर है तो क्या टेंशन ले रहे हैं आपको? टेंशन इसलिए है कि ज्वाइनिंग लेट से करवाएगा क्या जी? कुछ नहीं कराएगा, ज्वाइनिंग जल्दी हो जाएगा। सुनिए, सरकार की अगर मंशा रहती तो फिजिकल अगर नौकरी देने का मंशा रहता तो फिजिकल को नौकरी देता, बस 1 to 5 को नौकरी देता, 6 to 8 वाला रोड रोड घूम रहा है उसको नौकरी देता। ये तो खुद जान के वैसा करती है, लेकिन निगेटिव में नंबर भेजना ही नहीं चाहिए था। नंबर जब भी आता पॉजिटिव में आता। अब बताइए निगेटिव नंबर कैसे गया है? तो सरकार तो जान के गलती की है, और सरकार चाहती है कि कोई आए केस करे, और इसमें भी केस करने वाले में भी सरकार का आदमी का ही हाथ है। वो ला रहा है कोर्ट कि आप आइए, आपका वेलकम है। हमको तो लगता है कहीं गवर्नमेंट ही पैसा में भी ना देता हो कि तुम केस करो, लो 4-5 लाख ले लो। जो नीरज पिछला बार फेल था इस बार पास हो गया है? निर्जा तो खैर पिछले बार, हाँ निर्जा पिछले बार फेल था, इस बार पास हुआ है। कैसे पास कर गया? तक मेहनत किया होगा, 6 महीना बढ़िया मेहनत किया होगा। और की और नारायण गुरु तो सोचे हम 135 आ ही रहे हैं, छोड़ दिए होंगे मेहनत। यूट्यूब यूट्यूब पे नहीं देखे मेहनत क्या हुआ? देखिए टीचिंग लाइन और इसमें दोनों में भितरिया मेहनत, हम लोग में भी बहुत लड़का ऐसा है जो कि मेहनत जो भितरिया मेहनत की रहा पास है, बाद बाकी ऊपर ऊपर दिखावे का जो मेहनत है वो सब फेल है। हो सकता है आपका पहले वाला स्थिति था वही दिया, लेकिन मैथ के साथ ऐसा नहीं हुआ। मैथ का क्वेश्चन आईआईटी लेवल तक था। हाँ मैथ में पिछले बार भी मेरा 120 जा रहा था। अगर मान के चलिए कि अगर वही क्वेश्चन का लेवल देता तो आज जो है ना मैथ में सबसे इस बार सबसे बड़ा देखे सत्य प्रकाश जिस टाइम केस किया था उस टाइम सत्य प्रकाश को भी बोले थे आप सही कर रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट दिया तो अब रिजल्ट को फंसाने में जो जो लगा हुआ है उसको सोच रहे रोके। क्यों? क्योंकि उसके चलते सारा रिजल्ट रुकेगा, और सारा रिजल्ट रुकेगा बार बार एग्जाम। अच्छा पास वाला तो आगे बढ़ा है, पास वाला तो आगे है, उसको डर लग रहा है कि हम मेरा नौकरी नहीं है। कम वाले को अभी भी डर लग रहा है कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा। आपको बता रहे हैं कि SST में जो लड़का का 68 और 69 और 67 है, मतलब जो सिर्फ बॉर्डर लाइन क्रॉस किया है, सब उन लोग देखिए केस मारेगा। क्यों डबल दिए हैं आप ज्यादा डबल दिए हुए? अरे उनका रिजल्ट आपको 5000 से ज्यादा रिजल्ट है। मैथ में 5000 से ज्यादा नहीं है। SST में देखिए जितना भी सब्जेक्ट है ऑल सब्जेक्ट में जितना सीट है उतना ही रिजल्ट दिया गया है, ठीक है? SST का भी देखे हैं? हाँ SST का भी देखे हुए। कितना रिजल्ट दिया बताइए? मात्र 5000 रिजल्ट है अभी भी बात है। हाँ SST का जब सर्वे हुआ है, सर्वे वाला वो GK 35 सेट वाला सर्वे एक नंबर का गधा है, उसको कुछ आता है, यूट्यूब पे वीडियो बनाता है और उसको लगता है कि सर्वे में फेक एंट्री होता है। सर जी फेक एंट्री उसका 50% फेक एंट्री है। ठीक ठीक आलोक श्रीवास्तव को सच्ची मानते हैं आप? मात्र बिहार बोर्ड ने क्लियर किया है कि मेरा 5000 ही रिजल्ट है SST। आलोक श्रीवास्तव को सच्चा मानते हैं आपके? नहीं। हाँ आलोक श्रीवास्तव बताइए क्या बोले वो? आप सुनिए उनका भी देखिएगा सर्वे में जो एक बार डाले थे तो उसमें भी लगभग 8800 कितना गया है। ये सर्वे ऑथेंटिक नहीं होता है, आप ऑफिशियल डाटा दिखाइए हमको ऑफिशियल। जब आपका संजय सर डायरेक्ट बोल रहे हैं कि जितना भी रिजल्ट हुआ है A to Z का ज्वाइनिंग होगा, और किसी भी सब्जेक्ट में सीट से कम रिजल्ट हुआ है। अच्छा अभी कितना रिजल्ट दिया है बताइए तो? अभी तो 24000 समथिंग है, मतलब अप्रोक्स 25000 है। 25000 है ना? हाँ अब उसमें जो सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं दिया उसको ऐड कीजिए। 7100 सीट है जिसमें 25000 का रिजल्ट फंसा हुआ है। कितना? 24000 का रिजल्ट फंसा हुआ है। 24000 का रिजल्ट फंसा हुआ है ना? हाँ। अब ये सोचिए कि जितना सब्जेक्ट अभी रिजल्ट नहीं दिया उतना सब्जेक्ट में आप रिक्तियां को जोड़ लीजिए, कितना रिक्ति दिया है कितना, जैसे साइंस में 5200 नहीं 5500 ऐसे कुछ है। 5500 है, 5000 है, 5200 नहीं है, 5000 है। हाँ उसके बाद और उर्दू का देखिए आप कितना सीट है? 1000 है। 1000 है ऐसे कर जोड़ लीजिए और सब टोटल अभी रिजल्ट दिया उसमें से जोड़िए देखिए कितना पार होता है। 30000 तक रिजल्ट आएगा सबका, 7000 सीट खाली रहेगा। समझ गया? हाँ जोड़ा हुआ है मेरा सब चीज कैलकुलेशन किया हुआ है। हम ऑफिशियल डाटा पे बिलीव करते हैं ना कि सर्वे पर बिलीव करते हैं। तो वही सब बात है। 25000 रिजल्ट है, आगे जो है रिजल्ट आएगा आपका अप्रोक्स 7000 सीट है, लेकिन 7000 बच्चा पास नहीं करेगा। अप्रोक्स रिजल्ट 5 से 5.5 या 6 तक जाएगा। स्क्रूटनी करेगा कम से कम 10000 रिजल्ट उसमें बढ़ेगा। हाँ तो स्क्रूटनी में हम इसलिए तो मैथ वाले को बोल रहे हैं आप स्क्रूटनी में जाइए, हो ना हो 4-5 नंबर अपना ओपिनियन छोड़ दीजिए आप।
हाँ, तो उस पर हम नहीं बात कर रहे हैं, हम उस ओपिनियन पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिजल्ट जो बढ़ेगा उस पर बात। मैथ का सीट वैकेंट रहा है, मैथ का लगभग 1000 सीट वैकेंट रहा है, समझ गए। तो इसीलिए आपको एक बात बताते हैं सर, आप जहाँ से भी है जो भी है ठीक ना, खास करके आप वैसे जगह पे आप फोन ना करें, खास कर जैसे मेरे पास, हम बहुत ही सच्चा आदमी है, समझ गए ना, खाना खा रहे हैं, अब खाना खाते समय आपको हम बता रहे हैं, समझ गए। कोई हमको ग्रुप में नारायण गुरु ही है, नारायण गुरु ही है, तो फिर सोचे नारायण गुरु से सबको घूमने से मेरे पास है। अच्छा आज एक हम सुबह सुबह एक लेख पढ़ रहे थे, समझे ना, बताइए, तो उसमें तो आपको व्हाट्सएप पे भी कर देंगे, एक औरत थी जो नहा रही थी कुआं पर, चार लोग आता है पानी पीने के लिए, समझे, तो सब लोग से क्वेश्चन करती है, कोई कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो बोलती है कितने टाइप का भाई होता है, आप कौन सा भाई है, कोई बोलता है गरीब है, कोई एक आदमी बोला, चौथा आदमी लास्ट बोला कि हम सोचते हैं मूर्ख बोल देते हैं, समझे ना, वो बोला कि हम तो मूर्ख हैं, तो बोला कि मूर्ख भी दो प्रकार के होते हैं, आप बताइए किस टाइप के मूर्ख आप हैं, समझे, तो बोली कि बोला पानी नहीं पिलाएंगे, जब जवाब नहीं दिया, जब राजा के पास जाती है उसके पहले वो क्या करती है कि अब घर जाती है, घर में बैठा के सबको पानी पिलाती है, और उसका पति यहाँ नहीं रहता है, तो क्या होता है कि उसका ससुर देखता है, और देखता है तो कहता है कि भाई ये तो आजकल मर्दाना को ला रही है घर में, मर्दाना को ला रही है घर में, तो ये लगता है कुछ गलत काम करेगी, तो मर्दाना सीधा जाकर राजा को केस करता है, राजा के पास कहता है कि हमारी बहू जो है अब मर्दाना को ला रही है, जो आप उस पर कुछ एक्शन लीजिए, केस भी राजा भी बुला लेता है पूरा राज दरबार में। अब वहाँ पर जाकर के क्या होता है कि राजा पूछता है कि क्यों नहीं पिलाए, तो सब बात बताई, अंत में बोलती है कि मूर्ख दो प्रकार के होते हैं, तो राजा को बोला कि बताओ कितना कौन कौन मूर्ख होते हैं, तो बोला कि पहले आप ये बताइए हमको, मतलब ये बोल दीजिए कि हम आपको सजा नहीं देंगे, तो बोला राजा इतना खुश हो गया कि मूर्ख दो प्रकार के होते हैं कौन कौन उसको जानने के लिए, बोला कि ठीक है जाओ तुमको सजा नहीं देंगे बताओ, तो बोला कि मूर्ख दो प्रकार के होते हैं, पहला जो बिना सोचे समझे जाने किसी के बारे में कमेंट करे, जैसे मेरे ससुर, उनको अगर जानकारी देना था तो पहले मेरे पास आते, हमसे पूछते कि क्या आप सही कर रहे हैं ये बात, तब आपको। दूसरा मूर्ख वो होता है जो बिना डिसीजन लिए हुए कोई कार्य करता है, जैसे आप, आपको इज्जत जो मेरा था इज्जत, आप समझते थे कि बहू है इस गांव की, तो आपको भरी सभा में नहीं बुलाना चाहिए था, आपको अकेले में बुलाना चाहिए था जहाँ हम आप और मेरे ससुर रहते, तो समझिए सर, ठीक है ना, आपको अगर कोई बोलता है कुछ पहले मेरा बात सुन लीजिए फिर आपकी बात हम सुनेंगे, आपको जो कुछ बोलता है लोग तो उसकी बातों को पहले समझिए, उसे मांगिए प्रूफ कि क्या कोई प्रूफ है, नारायण सर जो बोले हैं कि यह बात जो केस करेंगे कोई प्रूफ है क्या, और उसके बाद हमसे आप बात करते, आप जो जिस लहजे में हमसे बात किए वो लहजा सही नहीं है, समझ गए, ये बात आप समझ लीजिए, लहजा तो सही नहीं है लेकिन जब सामने वाला जो उतावला है केस के लिए तो उतावले वाले को उतावला आपको तभी समझाए सर कि आपको पहले पता करना चाहिए था क्या हकीकत है, जिसने तो बोला जिसने बोला क्या आप उससे कोई सबूत मांगे कि नारायण सर का कोई वीडियो आया जिस पर केस होने का बात कहा गया या फिर कुछ ऑडियो मिला कहीं कुछ लिखे वो कोर्ट का चक्कर काट रहा है सर, सुनिए मेरा बात, हम आपको एक फोटो भेजे थे आज से लगभग जिस दिन रिजल्ट हुआ था ना उसके रात में 2 बजे रात में, समझ गए, उसमें हमने यही लिखा कि जिनको जिनको रिजल्ट हुआ है बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके ऊपर पूरे बिहार का अब ये गौरवान्वित चेहरा है ना, नहीं नहीं गौरवान्वित चेहरा नहीं है असमीन पूरा, उनके ऊपर पूरे बिहार एजुकेशन का कंधे पर भार रखा गया है, उस भार को अच्छी तरह से निर्वहन करें, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ अब स्टेट अलविदा, बस इतना लिख करके वो मैसेज डाल करके अपने ही रिजल्ट कार्ड में ही दे दिए, ठीक ना, और रिजल्ट कार्ड के बाद वो मैसेज को हम सभी लोग फॉरवर्ड कर दिए, उसके बाद से एस्टेट से हमको कोई नाता नहीं है, अब आपको इसके बाद कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, ठीक है, भी हो देखिए हैंडल कीजिए और क्या, बाद बाकी नेक्स्ट तैयारी कीजिए, तो आपका भी होगा वो नेक्स्ट तैयारी मेरा, देखिए अब UPTGT लग गया, UPTGT मेरा लग गया तैयारी के लिए, तो वो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, समझ गया ना, तो आप खुद ही अच्छे इंसान हैं, अभी तक हम अपने स्थिति से जी रहे हैं और आगे अभी अपने स्थिति से जिएंगे,
एक रिजल्ट अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? केस दौड़ रहा है उसके लिए नहीं। देखिए तो उसको आप नहीं रोक सकते हैं, चाहे हम नहीं रोक सकते हैं, क्या रोक सकते हैं क्या? आज नीरज कुमार का अगर रिजल्ट नहीं होता तो क्या लगता है अब तक केस हो जाता? एसएसटी में केस मार देता, फूंक देता, कोनो उपाय करके रिजल्ट हो गया, शांत हो गया। वो तो इंग्लिश में है। इंग्लिश में नहीं है, हाँ इंग्लिश में बाद में पता चलता है कि इंग्लिश में होगा। तो वही बात, हाँ एसएसटी को लेके केस किया बेचारा इंग्लिश में था, ठीक ना? तो वही बात, दिमाग तो ऐसा लगाया है कि पूरा सबको बर्बाद कर। वही बात आप कौन कह रहे हैं साहब की, देखिए किस बात की, आप किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि केस कीजिए या फिर नहीं कीजिए। जो लोग लगा हुआ है जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है, वो अपना रिजल्ट किसी तरीके से लेना चाहता है, साम दाम दंड भेद अपनाना चाहता है वो। आप किसको रोकिएगा, समझ गया ना? आप किसी को रोक नहीं पाइएगा। जैसे आप हमको फोन किए, हम इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है, हम साइड हो गए हैं, हमको कोई मतलब नहीं है। टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना? हम लोग रोकने का कैसे पहले तो हर संभव प्रयास कर रहे हैं, और इस बार केस तो रोकाएगा ही, चाहे जैसे भी हो, केस तो होने नहीं देंगे। वो आप देखिए, वो आपका मैटर हो गया ना, केस तो होने नहीं देंगे वो तो। जो स्टेट अब मेरा मैटर नहीं रहा, डिस्क्वालीफाई है, आप डिस्क्वालीफाई है, बस नेक्स्ट तैयारी कीजिए, ठीक है? करने वाले के लिए देखते हैं पिटिशनर कौन, मतलब पिटिशनर कौन कौन है, ठीक है? बाद बाकी तो फिर आगे कार्रवाई होगा उस पर भी, जो करना है कीजिए, उस पर भी कार्रवाई करेंगे, और अच्छा वाला कार्रवाई करेंगे, जो जिंदगी भर याद रखेगा वो भी। वो जो करना है कीजिए, क्या होता है, समझ गए ना? वो जो करना है, आपकी आपका वो हो गया, प्रॉब्लम हो गया। अब मेरे से जिस दिन डिस्क्वालीफाई हमको बिहार बोर्ड लिख दिया, उस दिन से स्टेट मेरा खत्म हो गया कहानी, समझ गए? अच्छा, और क्या नेक्स्ट, और केस केस में मत रहिए, वही बात बोल रहे हैं, केस केस में मत रहिए, सिर्फ एक ही मोटिव है मेरा। सुनिए लास्ट में, या अपने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने का प्रयास कीजिएगा, ये आपके कंधे पर रहेगा। पहले हमको सेशन दे रहे हैं, हम भी आपको सेशन दे रहे हैं, ठीक ना? एजुकेशन सिस्टम अपने आप लाइन पे आ जाएगा, और लाइन पे आ ही जाएगा तो फिर प्राइवेट वाला कहाँ जाएगा? चलिए, अच्छी बात है, आपको सुन करके अच्छा लगा, भगवान करे आपको इतनी शक्ति दे, आपको इतनी शक्ति दे कि आप सिस्टम को सही कर पाए। सिस्टम को सही सही हो गया, बस प्यार कुछ करें, हम बात करें।